ये पिज्जा पराठा बच्चों या बड़ों किसी को भी खिलाएंगे तो उसे बड़ा पसंद आएगा। और सबसे अच्छी बात, हमने इसे बनाया है आटे और सब्जियों के साथ। हेलो फूड लवर्स, वेलकम टू चार्स किचन। आज मैं लाई हूँ पिज्जा पराठा, एकदम परफेक्ट एंड टेस्टी रेसिपी जो आप एक बार जरूर बनाना चाहेंगे, तो जरूर ट्राई करें। आई एम श्योर आपको ये जरूर पसंद आएगी। तो आइए देखते हैं इसे कैसे बनाया जाता है। तो हम आटे का पिज्जा बनाने के लिए सबसे पहले हमने लिया है यहाँ पर 2 कप आटा, और इसमें डाल देंगे हम 1 टेबलस्पून सॉल्ट, और इसे हम अच्छे से पानी से डालकर थोड़ा थोड़ा इसको एक नॉर्मल आटा जैसे हम रोटी और पराठे के लिए लगाते हैं वैसे मैं इसका एक आटा अच्छा सा डो बना लूंगी। तो देखिए मैंने इसका एक इजी सा डो लगा लिया है, बिल्कुल वैसा ही जैसे रोटियों के लिए लगाते हैं, एकदम सॉफ्ट सा डो लगा लिया है। इसको मैं 15 मिनट की रेस्ट पे रख देती हूँ, तब तक कि आइए हम इसके लिए वेजीज काट लेते हैं। देखिए तो आइए देखिए, अब वेज पिज्जा पराठा के लिए हमको चाहिए बहुत सारी वेजीज। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर 2 बड़े टमाटर काट लिए हैं, थोड़े से 2 उबले हुए आलू को मैंने फाइन चॉप कर लिया है, यहाँ पर 1 बड़ी कैप्सिकम, यहाँ पर 2 छोटे प्याजों को चॉप कर लिया है, थोड़ी सी मैंने हरी मिर्च, और यहाँ पे मैंने फ्रोजन मक्के के दाने ले लिए हैं। आप नहीं हो तो आप इसको अवॉइड भी कर सकते हैं, लेकिन अगर हो तो बहुत अच्छी बात है। और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा गार्निश के लिए धनिया ले लिया है। बस इन्हीं वेजीज से आज हम बनाएंगे वेजी पराठा। तो चलिए अब हम बनाते हैं पराठा। मेरा आटा भी सेट हो गया है, देखिए बिल्कुल एकदम। तो अब हम ये जो हमारी सारी वेजीज हैं, हम इनको सबको मिक्स कर लेते हैं अच्छे से, और इसमें हम थोड़ा सा डाल देते हैं सॉल्ट, थोड़ा ही डालेंगे क्योंकि हमने थोड़ा आटे में भी डाल रखा है, इसलिए अकॉर्डिंग टू इस सब्जियों के थोड़ी सी डालेंगे हम चिली पाउडर, थोड़ी सी मैं डाल रही हूँ पिज्जा सीजनिंग। अगर आपके पास ना हो तो आप ना डालें इसको, इट इज फुली एक्सेप्शनल। एंड मैंने सारी वेजीज को मिक्स कर लिया है। अब इसके लिए मुझे चाहिए यहाँ पर पिज्जा सॉस, लेकिन पिज्जा सॉस जो है वो मैं सारी सब्जियों में एक साथ नहीं मिलाऊंगी, थोड़ा पार्ट में मिलाऊंगी, क्योंकि मैं एक साथ सारे पराठे नहीं बना रही हूँ। ये 10 पराठों के लिए मैंने वेजीज तैयार करी है, इतनी वेजीज में आपके 9 to 10 पराठेज बन जाएंगे। तो मैं क्या करती हूँ, एक अलग से एक प्लेट ले लेती हूँ, थोड़ी सी सब्जियाँ, 2 पराठे मुझे अभी बनाने हैं, तो मैं 3/4 टेबलस्पून ले लेती हूँ इसमें वेजीज, और इसमें डाल देती हूँ मैं 1 टेबलस्पून सॉस, पिज्जा सॉस, और हम इसको अच्छे से मिला लेंगे, क्योंकि अगर हम इसको पहले से बनाएंगे तो पिज्जा सॉस की वजह से ये गीला गीला हो जाएगा, फिर पराठे को बाइंड करने में हमें बहुत प्रॉब्लम आएगी। इस वजह से मैंने पिज्जा सॉस थोड़े थोड़े पार्ट करके ही मैं मिलाऊंगी। तो चलिए अब मैं एक छोटा सा डो ले लेती हूँ, जैसा हम रोटी का डो लेते हैं इस तरीके से मैंने एक छोटी सी, जैसे हम पराठा बनाते हैं हमें थोड़ा सा हल्का बड़ा पराठा बनाते हैं, तो थोड़ी इतनी बड़ी मैंने एक पेड़ा ले लिया है, इसको हम थोड़ा सा सूखे इसमें कर लेंगे, और इसको जितना भी हमारा एक्स्ट्रा पार्ट है उसको हम डस्ट आउट कर देंगे, और इसको इस तरीके से अब हम रोल कर देंगे। हमें बहुत थोड़ा बड़ा रोल करना है, याद रखिएगा। तो और इसके साइड से आप इसको बेलें तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि अगर आप इसको बीच में से बेल देंगे तो जब हम इसे फोल्ड करेंगे तो बीच में ज्यादा मोटा हो जाएगा, तो फिर वो खाने में अच्छा नहीं लगेगा, इसीलिए कोशिश हो आप साइड से इसको बेलें। इसके साइड जितने पतले होंगे उतना ज्यादा अच्छा होगा। मेरा जितना बड़ा रोलिंग बोर्ड है मैं उतना बड़ा पराठा बेल रही हूँ। ये देखिए पराठा बिल्कुल मैंने अच्छे से रोल कर लिया है। अब यहाँ पर मैं लूंगी यहाँ पर एक स्लाइस, चीज स्लाइस, और इसको बिल्कुल सेंटर में थोड़ा सा रख दूंगी, और अब हम इस पे डालेंगे अपनी वेजीज, अच्छे से बिल्कुल चीज के ऊपर ही डालें क्योंकि हमें इसे रोल करना है। उसके बाद मैंने यहाँ पर 3 टेबलस्पून वेजीज का यूज किया है, इतना ही इसमें हम फिलिंग करेंगे, ज्यादा कर देंगे तो वो अच्छा नहीं लगेगा। और अब हम इसके कॉर्नर्स से इस तरीके से इसमें पानी लगा लेते हैं। अगर आपके पास चीज स्लाइस ना हो तो आप इसमें मोज़रेला टॉप स्प्रेड चीज का भी यूज कर सकते हैं, मेरे बच्चों को यही अच्छी लगती है तो मैं इसी का यूज करती हूँ, ज्यादातर उनको इसका टेस्ट बहुत पसंद है। अब देखिए इसको किस तरीके से हमें रोल करना है, इस तरीके से इसको इस तरीके से रखिए, ये वाला पार्ट को हम इस तरीके से इसको ऊपर कर देंगे, और इस वाले पार्ट को हम
इस तरीके से कर देंगे और इसके कॉर्नर्स को इस तरीके से हम दबा देंगे। बस अब हम इसको आइए सेक लेते हैं। देखिए मैं ऐसा रोटी का तवे पे थोड़ा सा मैंने ऑयल डाल के इसको हीट कर लिया है। अब मैं इस पे अपना जो पराठा है मैं उसे बहुत हल्के हाथों से, आपकी जो उल्टी वाली साइड है अभी आप उसको ऊपर रखें और वाली साइड को आप नीचे, और बिल्कुल स्लो गैस पे। आपके पास नॉनस्टिक तवा हो तो आप उस पे करें। मैं वैसे नॉनस्टिक पे बनाती हूँ लेकिन बहुत सारे व्यूअर्स ने मुझसे बोला कर हमारे पास नॉनस्टिक पैन ना हो तो उनका यूज करें, तो आप नॉर्मल से रोटी के तवे पे जिस पे हम रोटियां बनाते हैं उस पे भी बना सकते हैं। हम इसे थोड़ी देर सिकने देंगे। चलिए अब नीचे वाली साइड को हम पलट देते हैं इसको बहुत हल्के हाथों से, इस तरीके से टैप टैप करके। देखिए कितना अच्छा कलर आ रहा है यहाँ पर, आप देख सकते हैं। एकदम गोल्डन ब्राउन हो गया है। इस तरीके से मैं पहले थोड़ा सा इसको सेक लूंगी अच्छे से, उसके बाद मैं इस पर थोड़ा सा ऑयल लगाकर हम इसको, अब मैं इसमें ऑयल लगा दूंगी और हम इसे क्रिस्पी गोल्डन ब्राउन जिस तरीके से हम पराठा देखते हैं उस तरीके से हम इसको बहुत अच्छे से सेक लेंगे। इसके साइड को इस तरीके से सेकें, नहीं तो इसके जो साइड्स हैं वो कच्चे रह जाएंगे। इस तरीके से थोड़ा थोड़ा दबा दबा के इस तरीके से सेकें। देखिए कितना अच्छा कलर आ गया और ये देखने में कितना सुंदर लग रहा है। मैं तो देखते ही मुँह में पानी आ रहा है, वेट नहीं हो रहा मुझसे और मेरे बच्चों के तो बिल्कुल ही नहीं होगा इसको वेट। हमें अच्छे से सेकना है कहीं से भी ये रहना जाए। देखिए कितना यम लग रहा है। साइड से चीज भी मेल्ट होने लगी है। बस अब हमारा पराठा सेक के रेडी है एकदम क्रिस्प। आइए इसे सर्व करते हैं। देखिए पिज्जा पराठा बिल्कुल मेरा रेडी है। मैं आपको इसे कट करके दिखाती हूँ। पिज्जा कटर से काटे, नहीं तो आप इसे नॉर्मल चाकू से भी काट सकते हैं इस तरीके से। और मैं आपको दिखाती हूँ ये कितना चीजी एंड कितना यमी लग रहा है। तो इसे जरूर ट्राई करिएगा और बताइएगा आपको कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। फिर से मिलूंगी एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।